मूवी में हमें 2013 का टाइम दिखाया गया है, जहां दुनिया पर एक एपिडेमिक फैल चुका है। ये एपिडेमिक पूरे प्लेनेट पर है और लोग बाहर जाने से डरते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर जाते हैं तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर उनकी मौत हो जाती है। पूरा सिटी, पूरा टाउन, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया बिल्कुल सुनसान है। सब लोग छुपे बैठे हैं। इसके बाद हमें एक आदमी मार्क दिखाया जाता है, जो कि अपने वर्क प्लेस पर 3 महीनों से रह रहा है। कैफेटेरिया में मौजूद खाने को खाकर जिंदा रह रहा है और साथ ही साथ अपने वर्कर्स के साथ एक पैसेज वे को खोदने में मदद कर रहा है। पैसेज वे उनको सब वे की तरफ लेकर जाएगा। एक दिन वो देखता है कि किसी ने कार की विंडो तोड़ दी है और उसमें से GPS ले लिया है। इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये अपने वर्कर्स को जल्दी जल्दी खोदने का कहता है, क्योंकि ये गुस्से में था और अपने वर्कर्स को जल्दी काम करने का कह रहा था। मगर इसमें इसी का फायदा हुआ, क्योंकि इन्हें रास्ता बनाते बनाते इस बिल्डिंग में से ही एक सेफ रास्ता मिल गया था बाहर जाने का, जो कि एक अंडरग्राउंड रास्ता था। सब लोग लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि सभी इस सबवे से बाहर निकलना चाहते थे। तभी मार्क वहाँ पर एक अजीब सी चीज देखता है। वो देखता है कि उसके बॉस के बैग के अंदर GPS है। अब मार्क अपने बॉस का पीछा करता है और उससे इस चीज के बारे में पूछता है। उसका बॉस कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस चीज के बारे में बताऊंगा, मगर तभी अगर तुम ये बात किसी और को नहीं बताओगे। अब मार्क के बाद याद करने लगता है कि कब वो अपने बॉस से मिला था। अब उसको याद आता है कि जब उसने अपने बॉस के साथ काम को स्टार्ट किया था, तो उसका बॉस हर किसी को बहुत ही ज्यादा गुस्से से ट्रीट किया करता था। अगर किसी भी एम्प्लॉय ने कोई गलत काम किया हो या फिर बहुत देर से काम किया हो, तो किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से निकालना इसके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। उनसे पूछे बिना ही ये एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल देता था। एक दिन ये मार्क को भी अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुम प्रोजेक्ट्स पर इतना ज्यादा लेट क्यों हो। वो इस बात को ध्यान में नहीं रखता कि प्रोजेक्ट कितना ज्यादा मुश्किल है, मगर फिर भी इसको अल्टीमेटम दे देता है। इसको अल्टीमेटम देता है कि तुमने इतने टाइम में इस काम को खत्म करना है, वरना तुम्हें जॉब से फायर कर दिया जाएगा। अब मार्क अपने काम को करने के लिए सारी रात बैठा रहता है, जबकि इसने अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर का भी प्लान बनाया हुआ था। पर तभी जो लड़की इसको लाइक करती है, इसका नाम जूलिया है, वो इसको कॉल करती है और कहती है कि हम शॉप को क्लोज कर रहे हैं, इसीलिए जल्दी आओ क्योंकि हमें डिनर करना है। अब मार्क उससे प्रॉमिस करता है कि मैं डिनर के वक्त जरूर आ जाऊंगा और इसके बाद अपना काम स्टार्ट कर देता है। मगर तभी इसकी स्क्रीन पर एरर शो होता है और स्क्रीन ब्लू हो जाती है, इसलिए अब ये अपना काम छोड़कर अपने घर चला जाता है। अब मार्क डिनर से भी लेट हो चुका था अपने काम की वजह से। अब जब ये अपने घर पहुंचता है तो देखता है इसके नेबर ने इसका दरवाजा खोल रखा था, और तो और वो फ्रेंड जो इसके साथ रहती है इसको लाइक भी करती है, उसने भी खाना खा लिया था। उसने डिनर के लिए मार्क का वेट नहीं किया। अब रात को जब ये टीवी देखता है तो टीवी पर इसको एक न्यूज दिखाई देती है। इस न्यूज में एक कैनेडियन टीनेजर के बारे में बात की जा रही थी, जिसने के 6 मंथ्स अपने घर में गुजारे। वो बाहर निकलने से डरता था। अब अगले दिन काम पर भी सभी लोग उस टीनेजर के बारे में बात कर रहे थे और वही क्लिप देख रहे थे। पर तभी इनका एक कोवर्कर परेशान हो जाता है और इस जगह को छोड़कर बाहर चला जाता है। अब तभी एक कोवर्कर बताता है, जो कोवर्कर अभी बाहर गया है, उसने काफी दिनों से ना तो अपने कपड़े चेंज किए और ना ही वो नहाया है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्क अपने बॉस को बता रहा है कि इसको GPS कितना ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली में ये उसी लड़की को ढूंढ रहा है जिसको ये लाइक करता था, जिसका नेम जूलिया था। वो बॉस को बताता है कि उसको ढूंढने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सबवे से GPS का यूज, और फोन तो काम ही नहीं कर रहे, वो कोई भी सिग्नल नहीं दे रहे। अब ये अपने बॉस को एक डील ऑफर करता है और कहता है कि अगर तुम मुझे उस लड़की के पास लेकर जाओ तो मैं तुम्हें दूसरे कोवर्कर के इलाके की लाकर सप्लाई दूंगा। अब पहले तो इसका बॉस इस डील के लिए मना कर देता है, मगर बाद में वो अपना माइंड चेंज कर लेता है जैसे ही मार्क उसको डराता है और कहता है कि तुमने GPS को चोरी किया है और ये बात मैं सबको बता दूंगा। इसके बाद ये दोनों आदमी सबवे टनल की तरफ चले जाते हैं। GPS भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है, लोकेशन भी बता रहा होता है, मगर ये लोग उसको कम यूज करते हैं ताकि उसकी बैटरी जाया ना हो। इसके बाद ये लोग सबवे टनल के मैप को देखते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर और भी ज्यादा लोग थे और इन सबको गन शूट की आवाज आती है और यहाँ से सभी भागने लगते हैं। अब ये एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर तो बहुत ज्यादा सर्वाइवर्स थे, मगर तभी एक टीनेजर बहुत से GPS का बैग लेकर भाग जाता है।
ये दोनों स्टेशन पर उस टीनेजर का पीछा कर रहे थे जो कि अपस्टेयर से ऊपर की तरफ भाग रहा था। अब आखिरकार वो टीनेजर एक एरिया में पहुंच जाता है जहां पर वो बाकी लोगों के साथ मिल जाता है। अब उस टीनेजर का दूसरा साथी अपनी गन दिखाता है और इन दोनों को डराता है। अब यहां पर मार्क और उसका बॉस दोनों घुटनों के बल बैठ जाते हैं। वो टीनेजर और उसका साथी दोनों बैग को खोलते हैं और खुश हो जाते हैं। अब वो आहिस्ता से मार्क के पास भी आते हैं ताकि वो इसका बैग भी ले सके, मगर तभी लाइट चली जाती है स्टेशन में, जिसका फायदा मार्क और उसका बॉस उठाते हैं। मार्क का बॉस इन लोगों पर जंप करता है और कोशिश करता है कि इन लोगों से गन ले सके। वहां पर मार्क भी लड़के से टैकल करता है और उससे जीपीएस वापस ले लेता है। अब जीपीएस वापस लेते लेते जमीन पर गिर जाता है और उसकी स्क्रीन क्रैक हो जाती है। अब मार्क तो एक कॉलम के पीछे छुप जाता है जबकि उसका बॉस दूसरे आदमी से गन लेकर उसको मार देता है। अब मार्क और उसका बॉस दोनों रनवे की तरफ जाते हैं और क्राउड में जाकर छुप जाते हैं ताकि वो लोग इन्हें ढूंढ ना पाएं। अब ये दोनों जाकर स्टेयर्स पर रुक जाते हैं जहां पर मार्क का बॉस रुककर अपने हाथ पर पट्टी बांधता है। जख्म हो चुका था, कट लगा था। वहां पर मार्क जीपीएस को देखता है जो गिरने के बाद काम कर रहा है या नहीं। वो जीपीएस एक्चुअली में काम कर रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश था। वो कहता है शुक्र है जीपीएस काम कर रहा है। इसके बाद मार्क अपने बॉस को देखता है जिसके पास वही गन थी जो उसने डाकुओं से ली थी। अब मार्क ये सोचता है कि शायद इसका बॉस अपनी कमिटमेंट से हट जाए, लेकिन इसका बॉस इसको कहता है कि मैं अपनी कमिटमेंट से नहीं हटता। वहाँ पर मार्क सोचता है कि पेंडेमिक से पहले वक्त कितना ज्यादा अच्छा था, काश के वही वक्त दोबारा आ जाए। वो सोच रहा था कि पेंडेमिक से पहले एक सुबह जब वो अपने अपार्टमेंट को छोड़ रहा था तो साथ वाले अपार्टमेंट से उसको बहुत ज्यादा बदबू और मक्खियों की आवाजें आईं। वो अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है, मगर इस अपार्टमेंट में तो हर तरफ ट्रैश पड़ा हुआ था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, जिसकी वजह से इसको खांसी भी होने लगती है। तभी इसका नेबर इसको देख लेता है जिसके अपार्टमेंट में ये गया था। वो इस पर अटैक करता है, उसके हाथ में नाइफ होती है। वो हैरान था कि आखिरकार ये उसके अपार्टमेंट में क्यों आया है, पहले तो उसने कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया और तो और इसका नेम भी नहीं जानता। अब मार्क उससे पूछता है कि तुम कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हो और इतने टाइम से तुम अपार्टमेंट से बाहर क्यों नहीं आए। तो वो आदमी कहता है कि मैं एक महीने से अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। वो कहता है कि मुझे बाहर जाने से डर लगता है जिसकी वजह से मैं अपार्टमेंट के अंदर ही रहता हूँ। इसके बाद मार्क अपने दोबारा से काम पर जाता है जहाँ पर इसका को वर्कर रोवेरा जो काफी दिन से नहीं नहाया था उसको फायर कर दिया गया और उसको सिक्योरिटी गार्ड बाहर लेकर जा रहे थे। ओके, वो ऑफिस में ही सो गया था और एक महीने से तो वो घर भी नहीं गया था और यहीं पर ही सो जाता था। अब जब सिक्योरिटी गार्ड रोवेरा को बाहर लेकर जा रहे थे तो मार्क भी उसको फॉलो करता है, जबकि वो को वर्कर बाहर नहीं जाना चाहता। वो अपना पूरा जोर लगाता है ताकि गार्ड्स उसको बाहर लेकर ना जाएं, मगर गार्ड्स उसको बाहर लेकर जाते हैं और जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो मरने की सिचुएशन में आ जाता है। अब मार्क कहता है कि इसको वापस लेकर जाओ तो गार्ड्स फौरन से उसको वापस अंदर ऑफिस में ले जाते हैं, मगर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और वर्कर रोवेरा मर चुका था। वहाँ पर मार्क रोवेरा के लॉकर में देखता है जहाँ पर बहुत सारी सप्लाईज पड़ी थी सर्वाइव करने के लिए, जैसे कि एक फ्लैशलाइट, एक गैस का कैनिस्टर और कैन फूड। अब शाम को ये उसी लड़की जूलिया को बताता है कि उसके ऑफिस में क्या हुआ और वो ये सोच रहा था कि कुछ ना कुछ गलत जरूर होने वाला है, मगर जूलिया इसको तसल्ली देती है कि कुछ भी नहीं होता। इसके बाद मार्क दोबारा से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। अब जब वो उठता है तो देखता है उसका बॉस आगे पीछे नहीं है। मार्क ये सोचता है कि शायद इसका बॉस इसको छोड़कर चला गया है, मगर वो कहीं भी नहीं गया था। वो आकर इसको एक प्लास्टिक बैग दिखाता है और कहता है कि ये प्लास्टिक बैग जीपीएस को खराब होने से बचाएगा। इसके बाद ये दोनों सबवे टनल की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर मार्क अपने बॉस से पूछता है कि आपको जीपीएस की क्यों जरूरत थी और आप कहाँ पर जाना चाहते हैं, मगर इसका बॉस इसको जवाब देने से इनकार कर देता है। वो इसको कुछ भी नहीं बताना चाहता था। मार्क ये बात भी नोटिस करता है कि उसके बॉस के पास हर वो चीज जो खाता है, जैसे कि एप्पल, हर फ्रूट का सीड अपने पास रखता है।
इसके बाद ये लोग जंप कर सेवरेज एरिया में जाते हैं। नीचे पानी था और ये जख्मी नहीं होते। यहाँ पर ये जीपीएस का यूज करते हैं अपना रास्ता देखने के लिए और आगे से आगे चलते जाते हैं। आखिरकार ये उस एरिया तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर मार्क का अपार्टमेंट है। अब ये ऊपर जाने का प्लान करते हैं। अब ये एक गैस का कंटेनर लटकाते हैं और उसको शूट करेंगे। जैसे ही वो फटेगा इस तरह से ये लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अब गैस का कंटेनर तो लटका दिया गया था। अब सबसे पहले बॉस शूट करता है मगर उसका निशाना चूक जाता है। अब माँ कहता है कि वो ट्राई करेगा। अब वो ट्राई करता है तो उसका भी पहला निशाना चूक जाता है और तो और शोर की वजह से उसके कान भी जख्मी हो गए थे। मगर ये दोनों हिम्मत नहीं हारते। ये दोबारा से अपना निशाना लगाते हैं और आखिरकार एक्सप्लोजन हो ही जाता है। बॉस मार्क की हेल्प करता है ऊपर चढ़ने में। वो पुल के जरिए आखिरकार बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। बिल्डिंग भी स्टेशन की तरह बहुत सारे रेफ्यूजी से भरी पड़ी थी। अब ये जो इसका ओल्ड नेबर ये उसकी बात सोच रहा था जिसके ये अपार्टमेंट गया और वो गुस्से हुआ कि वो इसके अपार्टमेंट में क्यों आया है और वो अभी भी अपने अपार्टमेंट में ही मौजूद था। अब तक वो अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकला था। अब मार्क अपने घर पहुंच जाता है जिसका लॉक टूटा हुआ है यानी कि कोई अंदर जा चुका है। हम देखते हैं इसके घर के दरवाजे पर एक स्पायूल है जिसे के लोग देख रहे हैं। ये वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि दरवाजे से अपने घर के अंदर जा सके। इसके घर में मौजूद एक आदमी फॉरेन लैंग्वेज बोल रहा था जिसको ये नहीं समझ पा रहा था। अब वो आदमी जब दरवाजे से अपना हाथ बाहर करता है तो मार्क इसका एडवांटेज लेकर उस आदमी के हाथों को काट देता है जिससे कि उसको दर्द होता है और आखिरकार ये अंदर जाने में कामयाब हो जाता है। वो आदमी इनको नाइफ से डराता है मगर तभी मार्क का बॉस भी अपनी गन निकाल कर उस आदमी को डराता है। पर तभी हम देखते हैं वो आदमी जो मार्क के घर रह रहा है उसकी वाइफ और बच्चे भी सामने आ जाते हैं। इस आदमी की छोटी बेटी मार्क की लैंग्वेज को समझ सकती थी। अब ये मार्क को बताती है कि इनके पास कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर वो चले जाएं। इसलिए ये लोग इस अपार्टमेंट में ही रह रहे हैं काफी टाइम से और ये यहाँ पर इसलिए रह रहे थे कि ये अपार्टमेंट बिल्कुल खाली था। अब यहाँ पर मार्क इनको जूलिया की पिक्चर दिखाता है। वो कहता है कि इस लड़की के साथ मैं इस अपार्टमेंट में रहा करता था और आप लोग जब यहाँ पर आए होंगे तो आपने जरूर इस लड़की को देखा होगा। मगर वो लोग तो कसम उठाते हैं और कहते हैं कि हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो कोई भी नहीं था। मार्क अब यहाँ पर इस जगह की तलाशी लेता है। मार्क का बॉस फ्रिज में देखता है जिसमें कोई भी खाना नहीं पड़ा था मगर वहाँ पर कुछ डेड डव्स थे जिन्हें के पकाने के लिए तैयार किया जा रहा था और साथ ही में इनको एक और पॉपकॉर्न पैक मिलता है जिससे कि वो कुछ सीड्स ले लेता है क्योंकि वो बहुत सारी चीजों के सीड्स को इकट्ठे कर रहा था। साथ ही में वो किचन से वहाँ पर नाइफ भी अपने पास रख लेता है। वहाँ पर मार्क जूलिया के रूम में जाता है जहाँ पर वो हुआ करती थी। वहाँ पर वो जूलिया के पपेट को भी देखता है और वहाँ पर वो एक ड्राइंग को भी पकड़ता है जो वहाँ पर बैठी छोटी लड़की ने बनाई थी जो कि एक पेपर की शीट पर थी। इसके कॉर्नर पर एक डॉक्टर का नाम देखता है। वहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड की पिक्चर थी जिससे मार्क को पता चलता है कि जूलिया का बेबी होने वाला था जबकि मार्क इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अब मार्क ये सोचने लगता है कि जूलिया के साथ आखिरी वक्त उसका कैसा था। ये सोचता है कि आखिरी बार ये दोनों मिलकर न्यूज देख रहे थे जहाँ पर पेंडेमिक के बारे में बताया जा रहा था। गवर्नमेंट अच्छे से जानती थी कि किस तरह से लोगों की डेथ हो रही है और सब लोग पैनिक हैं। मगर गवर्नमेंट का ये कहना था कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने एवरीडे टास्क वैसे ही करें जैसे आप लोग पहले किया करते थे। आप लोग एक नॉर्मल लाइफ गुजारें। मार्क अब जो ये न्यूज सुन रहा था इसे सुनकर इसका मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। इसके बाद ये अपने काम पर चला जाता है जहाँ पर जाते हुए ये देखता है कि रोड पर हर तरफ कचरा इकट्ठा हुआ हुआ है। लोग बहुत ज्यादा कम रह गए हैं और तो और सब वे पर एक आदमी मास्क पहनकर खड़ा हुआ है। अब ये जब ऑफिस पहुँचता है तो जूलिया को कॉल करता है मगर जूलिया की जगह एंड्रिया कॉल उठाती है और बताती है मार्क को कि जूलिया तुमसे बात नहीं करना चाहती। दोनों के बीच में फाइट हो गई थी क्योंकि मार्क को बच्चे पसंद नहीं थे जबकि जूलिया को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद थे और ना ही मार्क ये चाहता था कि उनका कोई बेबी हो।
अब मार्क जो के परेशान हो गया था क्योंकि जूलिया उससे बात नहीं करना चाहती थी। ये घर वापस जाना चाहता था, मगर तभी हम देखते हैं कि टेलीफोन्स और टेलीविजन सब के कनेक्शन खत्म हो जाते हैं। अब वहाँ पर मार्क जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर कदम रखता है, उसे ये लग रहा था कि वो बीमार हो रहा है और बहुत जल्द मर जाएगा, तो ये फौरन से ऑफिस के अंदर जाता है और तब से अब तक ये ऑफिस में ही था। इसके बाद दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क अपने अपार्टमेंट में था और अब एपिडेमिक फैल चुका है। अब यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। मार्क और उसका बॉस पानी इकट्ठा करने के लिए स्ट्रेचर्स का यूज करते हैं। बाकी लोग मौजूद भी स्टिक्स और बकेट्स का यूज कर रहे हैं ताकि वो लोग भी अपने लिए पानी जमा कर सकें। अब शाम को बॉस और मार्क अपने मिशन की तैयारी करते हैं। अब मार्क बॉटल्स में पानी भरता है ताकि उनका यूज किया जा सके और साथ ही वो अपने बैग में जूलिया का पपेट भी लेता है और अपने रास्ते पर निकल जाता है। अब ये दोबारा से सीवरेज एरिया की तरफ जाते हैं जहाँ पर से ये दोनों अब अपने अपने रास्ते अलग करेंगे। इस बात पर ही ये दोनों बहस स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि मार्क तो मॉल की तरफ जाना चाहता था जहाँ पर जूलिया काम करती थी, ये पता लगाने के लिए कि जूलिया वहाँ पर है या नहीं। मगर क्योंकि बॉस तो मॉल की तरफ नहीं जाना चाहता था, वो कहता है कि तुम्हारी और मेरी डील यही थी कि मैं तुम्हें अपार्टमेंट तक पहुँचा दूँ। अब ये मेरी गलती तो नहीं है कि जूलिया वहाँ अपार्टमेंट में नहीं थी, मैंने तो अपनी डील पूरी की और अब जीपीएस मेरा है और अब मैं वहाँ पर जाऊँगा जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। अब बॉस यहाँ पर मार्क से नाइफ भी ले लेता है और कहता है कि तुम जूलिया को तलाश कर रहे हो और पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। इस बात पर मार्क को गुस्सा जाता है और वो अपने बॉस को मारना स्टार्ट कर देता है। अब इसी लड़ाई में बॉस अपनी छुरी भी नीचे गिरा देता है और मार्क की फ्लैशलाइट भी नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है। मार्क अपने बॉस से कहता है कि मेरी वाइफ और मेरे बेबी से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या चीज हो सकती है और तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर सकते। मगर बॉस उससे कहता है कि मेरे लिए भी और भी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है। वो मार्क को बताता है कि वो हॉस्पिटल में जाना चाहता है जहाँ पर उसके फादर थे। वो बताता है कि उसके फादर बहुत ज्यादा बीमार थे और वो हॉस्पिटल में ही थे और वो अब उनसे मिलना चाहता है। बॉस मार्क से कहता है कि अगर तुम भी मेरे साथ आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो और एक दफा मैं अपने फादर से मिलना चाहता हूँ और इसके बाद तुम मुझसे ये जीपीएस भी ले सकते हो और इसके बाद ये जीपीएस तुम्हारा ही है और इसको जहाँ मर्जी इस्तेमाल करो। अब मार्क पहले तो हेसिटेट होता है और इसके बाद अपने बॉस की ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। इनको कुछ स्टेयर्स नजर आती हैं और इनको ये फॉलो करते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था। वहाँ पर इनको एक लाइटर मिलता है और साथ ही में ये दोनों लकड़ियाँ चलाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। अब इस लाइट की वजह से वहाँ पर कोई था जो अटेंटिव होता है और इनके पास आ रहा था। इनको शोर सुनाई देता है और ये देखते हैं कि क्या चीज है जो इनके पास आ रही है। ये लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं जो चीज इनको मिलती है क्योंकि ये एक बियर था। बियर इनको देखकर इनका पीछा करता है। मार्क देखता है कि बियर इसके बॉस के ऊपर चढ़ गया था। मार्क बॉस की हेल्प करना चाहता था और अब ये एनिमल को बॉस के ऊपर से हटाता है। बॉस ने टॉर्च पकड़ा हुआ था। मार्क अपने बॉस से कहता है कि टॉर्च अपना नीचे गिराओ। वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अब बॉस ऐसा ही करता है, वो टॉर्च को नीचे गिराता है। अब वो जैसे ही टॉर्च नीचे गिराता है तो बियर को चांस मिलता है और वो बॉस के ऊपर जंप करता है। अब बियर जैसे ही बॉस के ऊपर चढ़ता है तो मार्क को ये चांस मिल जाता है कि वो बियर को अपने नीचे से मार सके। अब बियर को मारने के बाद ये दोनों हंसने लगते हैं और बियर पर मौजूद एक टैग को पढ़ते हैं। इनको अब ये पता चलता है कि ये बियर एक जू से यहाँ पर चर्च में पहुँचा है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर इस बियर का गोश्त खा रही हैं। इन्होंने बियर को आग पर रोस्ट किया और अब ये उसके मीट के मजे ले रहे हैं। अब यहाँ पर बॉस मार्क को थैंक्स कहता है और कहता है कि अगर तुम चाहते तो यहाँ से भाग भी सकते थे। तुम अगर चाहते तो तुम मेरी हेल्प ना करते और हर चीज तुम्हारी हो जाती। बॉस मार्क को ये भी बताता है कि अगर तुम अपना काम टाइम पर ना करते तो मैंने तुम्हें फायर ही कर देना था। ये सुनकर मार्क को हंसी आती है। बॉस उसको ये भी बताता है कि वो अपने फादर के लिए बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि वो अपने फादर के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर वो मर भी जाए तो किसी को कोई भी परवाह नहीं सिवाय उसके फादर के।
वो कहता है कि वो अपने फादर से मिलना चाहता है और उनसे ढेरों बातें करना चाहता है। अब मार्क अपने बॉस को बताता है कि मेरी भी लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे नहीं चाहता था, बस वो डरता था कि वो उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएगा या नहीं। इसके बाद हम इन दोनों को दोबारा से सिवरेज एरिया में देखते हैं, जहाँ पर इनको एक फैमिली मिलती है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। उनमें से एक इंसान तो जख्मी है, जिसे ये दोनों जब देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि आप लोग इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते। तो वो इनको एक बैड न्यूज देते हैं। वो कहते हैं कि सब लोग ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल जल चुका है, कि वो हॉस्पिटल जहाँ पर बॉस के फादर थे वो जल चुका है। अब जैसे ही बॉस ये बात सुनता है तो वो डर जाता है। वो पास ही बिल्डिंग में दरवाजे से एंटर होता है और बिल्डिंग में ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और आखिरकार सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चढ़कर वो पूरे शहर का मुआयना करता है। वो ये देखना चाहता था कि क्या ये न्यूज सच है, जहाँ पर उसके फादर थे वो हॉस्पिटल जल चुका है। एक्चुअली में ये न्यूज सच्ची थी, हॉस्पिटल जल चुका था। अब इसको ये लग रहा था कि इसकी लाइफ में जीने की कोई भी वजह नहीं बची है। बॉस जल्दी से विंडो को तोड़ता है और खुद को मारने की कोशिश करता है कि ये यहाँ से छलांग लगा देगा, मगर मार्क उसको फौरन से पीछे करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मगर बॉस यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान था। वो मार्क से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा और मार्क को वो सीट्स देता है जो उसने जमा किए हुए थे और कहता है कि तुम जाओ, तुम अपनी वाइफ और बेबी को ढूंढो। तुम्हारे पास अभी जिंदा रहने का रीजन है। मेरे पास कोई रीजन नहीं है, मेरे पास कोई भी नहीं बचा है। इसके बाद मार्क दोबारा से सीवरेज एरिया में जाता है और आखिरकार चलते चलते वो मॉल तक पहुँच जाता है। पार्किंग एरिया से ये एंटर होता है, जहाँ पर ये जान नहीं पाता कि कुछ लोग इसका पीछा कर रहे हैं। ये उन लोगों को इग्नोर करता है और आगे से आगे चलता जाता है। ये फौरन से जूलिया की शॉप की तरफ जाता है, जहाँ पर वो काम किया करती थी, मगर वहाँ पर तो इसको उसकी फ्रेंड एंड्रिया की मदर की बॉडी मिलती है। ये वहाँ पर मौजूद सभी पेपर्स को देखता है कि शायद इसको कोई क्ल्यू मिले, यहाँ तक कि इसको मिरर में कोई चीज नजर आती है। अब जब ये मिरर को दस्त से साफ करता है तो उसके नीचे एंड्रिया ने एक नोट छोड़ा था अपनी मदर के लिए। एंड्रिया ने अपनी मदर को बताया था कि वो जूलिया के साथ सुपरमार्केट में बंद हो चुकी है। अब ये फौरन से सुपरमार्केट की तरफ जाता है, मगर एंटर नहीं हो पाता। वहाँ के लोगों ने रास्ता बंद कर दिया था ताकि लोग आकर खाना ना चुराएं। अब वहाँ पर जो इस मार्केट की रखवाली कर रहा था वो मार्क को डराता है कि अंदर मत आना। मार्क उसको जूलिया की पिक्चर दिखाता है जो वो अपने अपार्टमेंट से लाया था। वो गार्ड से कहता है कि ये किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं चाहता, वो तो बस यहाँ पर इस लड़की को ढूंढने के लिए आया है। अब इनमें से एक आदमी वापस से अंदर की तरफ जाता है ताकि ये देख सके कि जूलिया है या नहीं, जबकि मार्क बाहर उस आदमी के वापस आने का वेट कर रहा होता है। पर तभी वो अपने पीछे एक शैडो देखता है। एक्चुअली में बहुत सारे लोग थे जो इसका पीछा कर रहे थे, मगर मार्क ने उन सब लोगों को इग्नोर किया। अब ये लोग मौका पाते ही मार्क जैसे ही उस आदमी से बात कर रहा था, ये लोग मार्केट के अंदर एंटर हो जाते हैं। मार्क जो इन सब को देख रहा था, अब वो भी मार्केट के अंदर एंटर हो जाता है और जाकर जूलिया की फ्रेंड एंड्रिया से मिलता है। एंड्रिया उसको बताती है कि वो भी जूलिया से काफी टाइम तक नहीं मिली। फर्स्ट टाइम जब वो जूलिया से मिली थी वो उस दिन डॉक्टर के पास गई थी। अब मार्क एंड्रिया को एक्सिट की तरफ लेकर जाना चाहता था और कोई भी अटैकर जब इनके रास्ते में आ रहा था ये उसको मारता जा रहा था। मगर तभी डीलिंग से इनके ऊपर आग गिरती है जो इनके दरमियान में थी। एंड्रिया इसमें फंस चुकी थी। मार्क इसको इनकरेज कर रहा था कि तुम ये कर सकती हो, छलांग लगाकर इस साइड पर आ जाओ, मगर एंड्रिया बहुत ज्यादा परेशान थी। उसको ये लग रहा था कि वो नहीं कर पाएगी और मर जाएगी। अब सीलिंग से और ज्यादा आग गिरती है और एंड्रिया वहीं पर मर जाती है। अब मार्क फौरन से ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ भागने लगता है। तभी एक आदमी इसके ऊपर अटैक करता है, मगर बॉस आकर मार्क को बचा लेता है। वो आकर मार्क से कहता है कि मुझे पता था तुम्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी, मगर वो अटैकर अभी भी पीछे नहीं हटता और आकर बॉस पर अटैक कर देता है। बॉस मैनेज करता है और उसी आदमी को मारने लगता है जिसने इस पर अटैक किया था, मगर बॉस उसको छोड़ देता है ये कहकर कि वो अभी एक बच्चा है। वो कहता है कि मेरा जख्म इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। बॉस मार्क से कहता है कि हमें इस बिल्डिंग से निकलना होगा इससे पहले कि ये बिल्डिंग गिर जाए। अब ये लोग दोबारा
से सीवरेज एरिया की तरफ जाते हैं, जहाँ पर सीवरेज में इनको एक होल मिलता है जो कि एक आदमी ने खोदा था। ये लोग इस होल से ऊपर चढ़ते हुए आखिरकार ये लोग एक मूवी थिएटर में पहुँचते हैं, जहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था। वहाँ पर मार्क ग्लास डोर से बाहर की दुनिया देख सकता था। वहीं पर वो उसी डॉक्टर का ऑफिस पे देखता है जहाँ पर जूलिया गई थी। अब मार्क ये सोचता है कि वहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल है क्योंकि टनल आगे ब्लॉक है। ये बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, मगर अब ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ जाता है ताकि ये दूसरे विंडो से ये देख सके दूसरे बिल्डिंग में कि जूलिया है या नहीं। मगर तभी ये देखता है कि बिल्डिंग में जूलिया है, मगर जूलिया इसकी तरफ नहीं देख रही थी। मगर ये पहचान चुका था कि ये जूलिया ही है। ये उसका नेम ले रहा था, चिल्ला रहा था इस उम्मीद के साथ कि वो भी इसको जरूर देखेगी। पहले तो वो इसको नहीं देखती, मगर कुछ ही देर के बाद वो इस तरफ को टर्न करती है। आखिरकार मार्क को देख लेती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर खुशी में रोने लगते हैं। मार्क जल्दी से नीचे आकर अपने बॉस को बताना चाहता था कि आखिरकार उसने जूलिया को ढूंढ लिया। इसका बॉस थिएटर में बैठा हुआ था और उसका खून बह जा रहा था। मार्क अपने बॉस के जख्म पर बैंडेज करना चाहता था, मगर उसका बॉस मार्क से कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। बॉस के मरने से पहले के आखिरी अल्फाज मार्क के लिए थे। वो मार्क से ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि इस स्ट्रीट को पार कर दूसरे बिल्डिंग में जाओ और अपनी फैमिली से मिलो। ये कहते ही बॉस अब मर जाता है। अब हम देखते हैं कि मार्क अपने बॉस की आखिरी विश को पूरा करना चाहता था। अब वो भी अपनी फैमिली के पास जाना चाहता था और वो अब बाहर की तरफ जब अपने कदम रखता है, मगर तभी ये फील करता है कि ये बीमार होने वाला है। इसको ब्लड आ रहा था और अब इसको चलने में भी मुश्किल हो रही थी। मगर जैसे जैसे ये जूलिया को देखता है इसकी हिम्मत बढ़ती है। ये आगे से आगे चलता जाता है, मगर तभी ये अपनी आंखें बंद करता है और जब ये अपनी आंखें खोलता है तो जूलिया के फेस को अपने सामने पाता है, यानी कि इसने स्ट्रीट को पार कर लिया था और अब ये जूलिया के पास था। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे और अब ये इसी बिल्डिंग में रहकर अपनी नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम के बाद हम इन दोनों का बेबी भी देखते हैं। ये लोग पानी इकट्ठा करते हैं और खाना इकट्ठा करते हैं, मगर इनका बेबी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। जब ये चलना स्टार्ट करता है तो खुद ही चलकर बाहर चला जाता है। तब इनको पता चलता है कि न्यू जनरेशन में इस वायरस के खिलाफ उनकी बॉडी में इम्यूनिटी है। बहुत सालों के बाद जब इनका बेटा अपनी टीनेज में है, तभी बहुत से टीनेजर इनके बेटे को बाहर से देख रहे हैं। ये दोनों अपने बेटे को उनके साथ जाने के लिए अलाउ करते हैं ताकि वो भी बाहर की दुनिया देख सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।